हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आज एक बार फिर हमें सुनहरी अवसर दिया है कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की परमेश्वर के वचन में से एक बार फिर कुछ सीखेंगे। आज मैं प्रकाशित वाक्य की किताब को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और हम इस किताब को पूरी तरह से सीखने का प्रयास करेंगे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं प्रकाशित वाक्य में से आपसे कुछ बातें शेयर करूं। सबसे पहले द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब को समझने के लिए, उसको जानने के लिए हमें यह जानना बड़ा जरूरी है कि प्रकाशित वाक्य की जो किताब है वो तीन भागों में बांटी गई है। सबसे पहले हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि प्रकाशित वाक्य की किताब को जानने के लिए उसको ये जान लेना बड़ा जरूरी है कि वो तीन भागों में बांटी गई है। हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका एक अध्याय उसका 19वां पद, और जब हम उसका एक अध्याय उसका 19वां पद पढ़ते हैं तो मैं आपके साथ पढ़ूंगा, वहां लिखा हुआ है, इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है उन सब को लिख ले। अब देखिए, इधर सबसे पहले बड़ा क्लियर लिखा गया एक का 19वीं के जो प्रकाशित वाक्य की किताब है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया या बांटा गया। प्रभु यीशु मसीह अपना प्रकाशित वाक्य जो प्रभु यीशु को परमेश्वर पिता ने दिया कि वो अपने दासों को जो बातें होने वाली है उनको दिखाए, और यीशु मसीह अपने एंजल अपने फरिश्ते की मार्फत यहूना से ये प्रकाशित वाक्य दिखाया गया है। अब हम जब पहले का एक का 19 को पढ़ते हैं तो एक का 19 में इस प्रकार बताया गया कि पहली बात खुदावन ने यहूना को कहा कि जो तूने देखा पार्ट 1 वो लिख ले। पहला भाग जो इस किताब को बांटी जो तीन भागों में बांटा गया, जो तूने देखा उसको लिख, और दूसरा भाग जो प्रकाशित वाक्य को जिस प्रकार से बांटा गया है कि जो हो रहा है वो लिख दे, और तीसरा और आखिरी भाग जो होने वाला है यानी कि पास्ट में देखा, प्रेजेंट में हो रहा और फ्यूचर में होने वाला है। इस प्रकार प्रकाशित वाक्य की किताब को तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में प्रकाशित वाक्य को बांटा गया। पहला भाग मैं फिर आपको याद दिलाने के लिए चाहता हूं कि जो यहूना तूने देखा और जो हो रहा है और जो इसके बाद होने वाला है उसको लिख ले। अब हम बाइबल को प्रकाशित वाक्य की किताब को माफ कीजिएगा समझने के लिए इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। हम 12वीं आयत से 1:12 द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1:12 1:12 से पढ़ेंगे। 1:12 में लिखा हुआ है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की सात दीप्ति देखी
और उन डिब्बों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदर्श एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल सफेद ऊन वर्णपाले के समान उज्जवल थे और उसके पांव उत्तल पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया। उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने हाथ में 7 तारों को लिए हुए था और उसके मुख से 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसे प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप से के समय चमकता है। तब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगान युग जीवता और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उन 7 सोने की दीप्तों का भेद। ये 7 तारे 7 कलिसियों के दूत हैं और वह 7 दीवट 7 कलिसियां हैं। मैं अब आपको सबसे पहले प्रकाशित वाक्य की किताब को समझाने के लिए सबसे पहले हम तारों के बारे में देखेंगे। जो लिखा हुआ था प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय की 16वीं आयत में कि उसके दाहिने हाथ में 7 तारे थे। हम इधर से इस किताब को समझने के लिए प्रयास करेंगे, शुरुआत करेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये 3 भागों में बांटी गई किताब है, यो देखा, यो हो रहा है और जो होने वाला है। ये यूहन्ना को लिखने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपना प्रकाशित वाक्य उसको दिखा रहा है। अब जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले मैं आपको 7 तारों के बारे में जो उसके दाहिने हाथ में यूहन्ना देखता है उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि ये 7 तारे जो हैं, जब हम इंग्लिश वर्ड पढ़ते हैं तो इंग्लिश वर्ड में एंजल वर्ड जो है वो यूज किया गया है, और जिसको हम अगर डिक्शनरी में पढ़ेंगे तो जिसका मतलब निकलता है कि स्वर्ग दूतों के लिए ज्यादातर ये शब्द जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब जब भी इसको ज्यादा पढ़ेंगे तो अगर डिक्शनरी को भी पढ़ेंगे तो डिक्शनरी के अंदर भी जो एंजल शब्द है वो स्वर्ग दूतों के लिए यूज किया गया, लेकिन उसके साथ साथ ये मैसेंजर के लिए और एक अदर वर्ड्स जो एंजल का वर्ड है वो यूज किया गया है। लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य को 7 तारे प्रभु के हाथ दाहिने हाथ में देखते हैं, और जिसका मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर आप डिक्शनरी पढ़ेंगे तो एंजलों एंजल्स के लिए यूज किया गया है जिसको हम स्वर्ग दूत कहते हैं, लेकिन यहां पर जो एंजल वर्ड है वो दूत के लिए हिंदी का ट्रांसलेशन दूत किया गया। और दूसरी बात, जो ये 7 तारे हैं वो ये कलिसिया के 7 जिसको हम चरवाहे या पास्टर कह सकते हैं उनके लिए यूज किया गया है। ये स्वर्ग दूतों के लिए यहां पर यूज नहीं किया गया। कई बार हम यहां से गलती कर सकते हैं कि यहां पर एंजल वर्ड यूज है, और मैं इसके अंदर से आपको समझाऊंगा कि ये परमेश्वर के दास हैं या स्वर्ग दूत हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 1 का 1 पढ़ते हैं, उसको भी पढ़ूंगा, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य
जिसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि वे अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके दास अपने दास यूहन्ना को बताया, स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। अब इधर पहली आंख में लिखा हुआ है कि हम कैसे समझेंगे कि ये प्रभु के दास है, ये पास्टर है, ये स्वर्गदूत नहीं। पहली बात यहां लिखा हुआ है कि उसने ये जो सात तारे हैं उनका वेद में आपको समझा रहा हूं कि उसने अपने दासों को ये बताने के लिए यूहन्ना को दिया गया प्रकाशित वाक्य है जो पृथ्वी पर उसके दास है उनको बताने के लिए। ये पहली आयत में इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं। अब जब हम ये सात तारों के बारे में पढ़ते हैं कि ये परमेश्वर के दास हैं, और जब हम उसका दो बाप उसकी पहली आयत को भी हम थोड़ा देखेंगे, दूसरा अध्याय उसकी फर्स्ट आयत, इफिसस की कलीसिया के दूत को ये लिख, यो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दीप्तों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि, अब देखिए यो सातों तारे अपने हाथ में लिए फिरता है। सातों तारे, और बाइबल में कहीं भी आप स्वर्गदूतों के बारे में अपने हाथ में लिए करके फिरता कभी नहीं पढ़ेंगे। उसके सामने खड़े हैं, उसके सिंहासन के सामने हैं, उसके लोगों की सेवा टहल करते हैं, उसके हुक्म को मानते हैं, उसकी आराधना करते हैं, ये स्वर्गदूतों के बारे में लिखा। लेकिन यहां पर जो हम देखते हैं कि तारे उसके हाथ में हैं, वो अपने दाहिने हाथ में लिए हुए फिरता है। और जब हम इसकी पांचवीं आयत को पढ़ते हैं, दो बाप उसकी पांचवीं आयत में, यहां पर ये और समझाने के लिए, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फरा, और पहले के समान काम कर, यदि तू मन ना फराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी डीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। अब पहली बात ये प्रभु कह रहा है कि यदि तू मन नहीं फराएगा और मैं तेरी डीवट को, और डीवट जो है उसको हटा दूंगा उस स्थान से, जिस स्थान में वो है उस स्थान से उसको हटा दूंगा। अब इससे यहां पर बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये परमेश्वर के दास है, क्योंकि अगर आप और आगे जाएंगे तो लिखा, मैं तुझे अपने मुंह से अपने दासों को, जो सात तारों के बारे में वो कहता, तो उनको पढ़ते समय में पता लगता है कि वो कहता कि मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा यदि तू मन नहीं फराएगा या ये चीजों को अलग नहीं करेगा तो मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। और प्रभु ने स्वर्गदूतों को अपने मुंह से उगलने के लिए नहीं कह रहा, ये अपने चरवाहों के लिए कह रहा, उस समय की सात कलीसिया जिसके बारे में हम बाइबल प्रकाशित वाक्य दूसरे और तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं, दूसरे और तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं। और मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये जो सात तारे हैं इनके बारे में लिखा हुआ है, ये परमेश्वर के, प्रभु यीशु के हाथ में है, और वो सात तारों को अपने हाथ में लिए हुए फिरता है। आज हम जो प्रभु के सेवक लोग हैं वो सचमुच में प्रभु के हाथ में होना बड़ा जरूरी है। आज हम जब प्रभु के दासों के बारे में देखते हैं तो कई बार हम ऐसा पाते हैं कि वो परमेश्वर के हाथ में नहीं होते, या तो वो कलीसिया के हाथ में होते हैं, कलीसिया उनको चलाती है, जबकि परमेश्वर ने अपने दास को इसलिए खड़ा किया है कि कलीसिया उसे ना चलाए बल्कि वो कलीसिया को चलाए।
और जिनको ये डर रहता है कि चाहे कहीं अगर मैं कलीसिया के सामने कुछ बातें कहूंगा या बोलूंगा या कलीसिया की मर्जी को पूरा नहीं करूंगा तो कलीसिया चली जाएगी, या वो मुझे जो लोग दान देते हैं वो दान नहीं देंगे। लेकिन जो तारा प्रभु के हाथ में है वो इस बात के लिए कभी चिंतित नहीं होता कि वो चले जाएंगे या वो दान देना बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो तारा अपना स्रोत जानता है कि मैं कहां से पैदा हुआ हूं, मेरा स्रोत क्या है। सो मेनी पीपल ने मुझे छोड़ दिया जब उनको सत्य वचन दिया गया। कई लोगों को मैंने स्वयं कहा कि आप जा सकते अगर आपको मेरे से शांति नहीं है। कईयों ने मुझे कहा कि आपने वचन मारा है। मैंने कहा कि वचन कभी मारता नहीं है, वचन जीवित करने के लिए आता। और जब मुझे कहा कि वचन मारा तो मैंने उनसे हाथ जोड़े और कहा कि आप मुझे इतना दान देते हैं। बहुत कुछ लोग मुझे दान देते थे। मैंने उनको कहा कि आप इतना दान देते हैं मुझे, प्लीज अगर आपको लग रहा कि मैंने आपको मारा है आप जा सकते हैं अपना दान देकर, क्योंकि मैं दान के लिए सेवा नहीं करता हूं भाई। मुझे प्रभु ने हर एक पास्टर को हर एक सेवक को इसलिए ठहराया, इसलिए चुना है कि वो प्रभु यीशु की कलीसिया को खड़ा करे। प्रभु यीशु उसमें कौन जाता है भाई? अगर आप उसको सत्य वचन दे रहे हैं, सच्चाई देते हैं, आप सच्चाई उसके साथ शेयर करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, उसको सिखाना चाहते हैं, अगर वो नहीं लेना चाहता, अगर वो भागना चाहता तो उसको जाने दीजिएगा। बाइबल कहती है जो दरख्त मेरे पिता ने नहीं लगाया वो नहीं रह सकता है, और जो मेरे पिता ने लगाया है कोई उसको उखाड़ नहीं सकता है। इसलिए प्रभु यीशु कह रहा था कि सात तारे यूहन्ना देख रहा था प्रभु यीशु के हाथ में थे। और मैं आपको कह रहा हूं कि आज जो सेवक लोग ज्यादातर प्रभु के दास लोग हैं वो चर्च को सुनते, चर्च क्या कहना चाहता है वो वही कहते हैं, या उनकी पत्नी उनको क्या कहती है वो कहते हैं। घर में जाएंगे या पत्नी उनको चर्च के अंदर थोड़ी सी आंख दिखाएगी, कुछ कहेगी या इशारे से कहेगी तो वो परमेश्वर के दास अपनी पत्नी के तरीके से ही चर्च से बातचीत करते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों के द्वारा उनके हाथ में हो जाते हैं, जो बच्चे कहते हैं वो चर्च के साथ उसी प्रकार की बातें करते हैं या चर्च के साथ उसी प्रकार का सलूक करते हैं, या वो अपने मित्र या अपने बहन भाइयों के हाथ में या अपने मम्मी पापा के हाथ में, जो उनको मम्मी पापा टीचिंग देते हैं वो वही चर्च में देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि ये सात तारे, जब हम दूसरा चैप्टर भी पढ़ते हैं तो उसमें वो जब इफिसस की कलीसिया के दूत से बातचीत करता तो वो सबसे पहले यूहन्ना को ये कहता कि उसको लिख जिसके हाथ में सात तारे। पहली बात इसका एक इंडिकेट भी था कि भाई ये याद रखो कि तारा मेरे हाथ में है, तुम मेरे हाथ में हो। अगर हम इब्रानियों की पत्री इसका 10 बाब की 31 अध्याय पढ़े तो लिखा हुआ है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। यानी कि परमेश्वर इफिसस की कलीसिया के दूत को, इफिसस की कलीसिया के चरवाहे को, पास्टर को यह समझाना चाहता था कि यूहन्ना उसको कह दे कि तुम मेरे हाथ में हो, मैं लिए फिरता हूं, जब चाहूंगा मुझे लगेगा कि मेरा दास मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है, वो अपने चर्च की जो चर्च चाहता है वो करता है, जो बीवी चाहती वो करता है, जो बेटा चाहता वो करता है, जो बेटी चाहती वो करता है, मैं उसको अपने हाथ से छोड़ दूंगा। अरे मेरे प्यारे, प्रभु ने हमें इसीलिए तारों को खड़ा किया है कि हम परमेश्वर का वचन उन तक लेकर जाए। हम परमेश्वर के वचन कैसे लेकर जा सकते हैं? हाउ कैन? जब हम पहले परमेश्वर के पास जाएंगे जिसने हमें बुलाया है कि प्रभु आज मुझे शाम के समय में, रात के समय में, दोपहर के समय में,
मॉर्निंग के टाइम, सुबह के समय में मुझे तेरे चर्च के सामने, तेरी कलीसिया, तेरी दुल्हन के सामने जाना लॉर्ड। आज मुझे कहिए मैं तेरे लोगों को क्या कहूं प्रभु। और जो प्रभु आपको कहे, हम जब यर्मिया नबी को पढ़ते हैं, खदावत अपने दास यर्मिया को उसका पहला अध्याय उसके नौवें पद में हम इस प्रकार से पढ़ते कि यर्मिया जो कुछ मैं तेरे मुंह में डालूं तो वही कहना, किसी का मुंह देखकर बातें ना करना। आज हम बहुत बार अपनी जिंदगी के अंदर यही करते हैं कि हम चेहरों को देख लेते हैं, कौन मुझे ज्यादा चंदा देगा या कौन किस प्रकार का व्यक्ति है, कौन मेरे निकट है, हम वहां पर थोड़ा सा नरमी इस्तेमाल करते हैं, हम सच्चाई को बोलने से रुक जाते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मुझे जितना ज्यादा कोई दान दिया उतना ही ज्यादा वचन का डंडा उनको पड़ा। उनको इसलिए पड़ा कि आपको परमेश्वर के वचन को जानना बेहद जरूरी है। अच्छा है कि आप परमेश्वर के दास को दान दे रहे हैं, क्योंकि इसी के द्वारा सेवा चलती है, लेकिन हम दान के लिए काम नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं। हमें परमेश्वर ने बुलाया है और परमेश्वर ने हमें अपने हाथ में रखा है, और कहीं उसका हाथ हमसे छूट ना जाए, इसलिए हमें उसकी बात उसके लोगों तक पहुंचानी है। वो बुरा मानते हैं, वो आपको गाली देते हैं, आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, ये उनके हाथ में उनको छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप वही कहिए जो प्रभु यीशु आपको कहना चाहता है। यर्मिया को कहता है कि उनका चेहरा ना देखना, शक्लें ना देखना, जो कुछ मैं तेरे मुंह में डालूं यर्मिया वही कहना, क्योंकि मैं तुझे राजों को डाने के लिए, उनको बनाने के लिए, रोपने के लिए, देशों के लिए, जातियों के लिए मैंने तुझे खड़ा किया यर्मिया, जो मैं तेरे मुंह में डालूं वही कहना। अगर तूने जो मैं तेरे मुंह में डालूंगा या तू उनका मुंह देखकर डर जाएगा, घबरा जाएगा, तो फिर मैं तुझे उनके सामने घबरा दूंगा, मैं तुझे उनके सामने डरा दूंगा, लज्जित कर दूंगा तुझे, तू उनके सामने बोल नहीं पाएगा। यही मतलब था उसका। वो तेरे से लड़ेंगे तो सही है, पर तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि तारा अगर प्रभु के हाथ में है, अगर प्रभु का सेवक प्रभु के हाथ में है, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 उसका 16वीं अध्याय, 7 तारे जो प्रभु अपने दाहिने हाथ में लिए हुए, जितने भी प्रभु के संतों के बारे में पुराने नियम के अंदर भी पढ़ते हैं, वो सब प्रभु के हाथ में थे, उन्होंने वही कहा जो प्रभु ने कहा। और इसलिए आज बहुत सारे तारे जो हैं वो नहीं कहते जो प्रभु कहता, वो अपने जो सोचते हैं या जो अपने विचार रखते हैं या जो उनके अंदर डर की आत्मा आती है कि ये निकल जाएगा, ये बुरा मनाएगा, वो चाहे बुरा मनाता है, वो चाहे निकल जाता है, आप उसको निकल जाने दीजिए, क्योंकि उसने आपको पैदा नहीं किया है, आपको यीशु मसीह ने पैदा किया है। तो 7 तारे यूहन्ना जो मैं अपने दाहिने हाथ में लिए फिरता हूं, उनका भेद कि वो 7 कलीसियों के साथ दूत है। इसलिए प्रभु ने वहां कहा कि मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा, क्योंकि ये प्रभु के दासों के बारे में, पास्टरों के बारे में, ना कि स्वर्गदूतों के बारे में लिखा गया। उसका पहली आयत में भी, 1 में भी हमने पढ़ा, फिर 2:1 में पढ़ा कि 7 तारे अपने हाथों में लिए फिरता हूं, फिर 2:5 पढ़ा कि मैं तेरी डीवट को भी हटा दूंगा, और अगर 2 और आगे जाएंगे तो मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा।
आज जो मैंने प्रकाश वाक्य को शुरू किया है, आज मैंने तारों से शुरू किया है, और हम चाहते कि 22 के 22 अध्याय जो प्रकाश वाक्य की किताब के, उसको हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकें और परमेश्वर के साथ और जुड़ सकें। और मैंने आपको कहा कि यूहन्ना को पहले कहा गया, वो लिख जो तूने देखा। और मैंने आपको कहा कि प्रकाशित वाक्य की जो किताब है, ये तीन भागों में डिवाइड की गई। और मैं अगले जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि ये भी जानना जरूरी है कि यूहन्ना कितने अध्याय में देखा है, और कितने अध्याय में हो रहा था, और कितने अध्याय में अध्यायों में होने वाला है। ये भी आपकी जानना बहुत जरूरी है। हम प्रकाशित वाक्य की पहली आयत से लेकर एक एक आयत पर सब बातों पर चर्चा करेंगे, और इसके जो आत्मिक अर्थ है उनको भी समझने के लिए प्रयास करेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मेरे जो ख्याल में है, इसके लिए मैंने 22-23 साल, आज भी मुझे 30 साल हो गए प्रभु का सेवा करते हुए, इसके लिए बहुत प्रार्थना अपने जीवन में प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए मैंने किया है। और मैं चाहता हूं कि जो कुछ मुझे प्रभु ने दिया गया है, वो मैं आप तक भी बन जाऊं। सो मेरे प्यारे हो, आज जो पहली बार मैंने शुरू किया कि तारों से, कि जो तारे हैं प्रभु के दास हैं, वो प्रभु के हाथ में हो, ना कि वो चर्च कलीसिया के हाथ में, कलीसिया उनको नहीं चलाए। और आज मैं बहुत सारे पास्टरों को देखता कि जो कलीसिया जैसे उनको चलाती है, वो वैसे ही चलते हैं। यर्मिया के बारे में मैंने एग्जाम्पल दिया, यीशु मसीह जब जमीन पर थे, वो ये कहते थे, मुझे पिता ने भेजा है, मैं पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं, मेरी रोटी मेरे पिता की मर्जी को पूरा करना है, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मेरा पिता मुझे जो कुछ कहता है मैं वो ही करता हूं। जैसे मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं, मैं वैसे ही करता हूं। मैं अपने पिता की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, मैं पूरी तरह से पिता का आज्ञाकारी हूं। उसी प्रकार एक पास्टर को इसलिए परमेश्वर चुनता है कि वो प्रभु यीशु का एक आज्ञाकारी व्यक्ति बन जाए। पौलुस तिमोथियुस को कहता है कि उसने हमें विश्वास योग्य समझकर ये सेवा दी है कि हम उसके साथ कभी भी विश्वासघात ना करें। आपकी बेटी आए आपको गलत गाइड करें, वो वचन के खिलाफ आपको गाइड करें, आपका बेटा आपको वचन के खिलाफ गाइड करें, आपकी पत्नी आपको वचन के खिलाफ गाइड करें। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहा हूं, क्योंकि मैं ये तजर्बा करता हूं कि लोगों की पत्नियां जो उनको कहती हैं, लोगों के बच्चे पास्टरों के जो उनको कहते हैं, उनकी बीवी जो उनको कहती है, या उनका चर्च जो उनको कहता है, वो वही बातें बोलते हैं। परमेश्वर का दास परमेश्वर के हाथ में हो। अगर उसकी बीवी गलत बोलती है, अजूब की तरह जब उसकी पत्नी उसके पास आई और उसने कहा कि अजूब अब मर जा, अपने खुदा को कोस, अपने खुदा को शराब दे, उसको बुरा भला कह और मर जा, लेकिन अजूब अपनी पत्नी को त्यागता है, वहां पर हमेशा के लिए त्यागता नहीं, वहां पर वो त्यागता है जब वो खुदा के खिलाफ बात करती है और उसको डांटता है। उसी प्रकार प्रभु का दास उनका बच्चा अगर उनको गलत गाइड करता है, वचन के बाहर कुछ सिखाना चाहता, बोलिए नो, मैं तुम्हारा डैडी जरूर हूं, लेकिन परमेश्वर का सेवक हूं, मैं प्रभु के हाथ में होना है, मुझे प्रभु के हाथ में होना है। जब आप प्रभु के हाथ में होंगे, यू विल बी इन द हैंड ऑफ लॉर्ड, जब आप प्रभु के हाथ में होंगे, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। इसलिए उसने कहा के सात तारे मेरे हाथ में है, जब चाहूंगा त्यागूंगा, जो मेरी मर्जी के अनुसार नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय जानो, मैं आज इसी बात से शुरू किया प्रकाशित वाक्य की किताब को, सात तारों से। आगे हम लगातार एक एक बात सीखेंगे कि इस एक एक बात का जो प्रभु के दास यूहन्ना ने देखा, जो उसने पहले अध्याय में देखा, उसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहता हूं अपने लोगों को, क्या अपने चर्च को कहना चाहता है। तो तारे प्रभु के हाथ में होना चाहिए। द बुक ऑफ डैनियल
चैप्टर 11 है, जब हम 12वां अध्याय पढ़ते हैं उसकी 3 अंक में लिखा हुआ है, सखाने वाले मेरे प्यारे हो तारों के समान चमकेंगे। जो सिखाने वाले हैं वो चमकेंगे, वो शाइन किए जाएंगे, परमेश्वर का पुत्र उनको शाइन करेगा। यदि लोग आपके ऊपर थूकेंगे, यदि लोग आपकी निंदा भी करेंगे, परमेश्वर बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, बाय द गिफ्ट ऑफ गॉड, अपने वरदानों के द्वारा लोगों के बीच में आपको शाइन करेगा। कब करेगा? जब आप उसके हाथ में रहेंगे, आप उसकी आज्ञा मानेंगे, आप अपनी पत्नी की आवाज सुनकर नहीं, अपने बेटे की आवाज सुनकर नहीं, अपनी बेटी की आवाज सुनकर नहीं, अपनी क्रिश्चिया की आवाज सुनकर नहीं, जीवते परमेश्वर जो कहता है मैं जीवता हूं, सात तारे मेरे हाथ में है। और आज पहले दिन हमने ये तारों के बारे में आपको बताया कि ये तारे स्वर्गदूत नहीं है, ये तारे प्रभु के सेवक थे, उस समय की सात कलीसियों के साथ सेवक थे जिनके पास परमेश्वर ने ये मैसेज पहुंचाया, ताकि आने वाली दुनिया के अंदर संसार में आगे बढ़ने को था, जो बढ़ चुका था और बढ़ने को और था, जो कलीसिया खड़ी हो चुकी थी और आगे वो फैलने को थी, सब सेवकों के पास ये संदेश पहुंच जाए। तो मेरे प्रिय लोगों, सात तारे जो प्रभु के दाहिने हाथ में है, आज एक एक पास्टर को, एक एक प्रभु के दास को प्रभु के हाथ में होना चाहिए। प्रभु आपको इस कलाम की मार्फत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।